ओके दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाले हैं फोन पे में बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें, फोन पे में बैंक अकाउंट कैसे जोड़ें, लिंक करें। दोस्तों अगर आप भी फोन पे में बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, अगर आपका फोन पे में बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो रहा है तो कैसे आपको जो फोन पे में बैंक अकाउंट को ऐड करना है, इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों फोन पे में बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना फोन पे ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आपके मोबाइल में फोन पे ऐप नहीं है तो फोन पे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास फोन पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहां से दोस्तों आपको फोन पे को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। यहां पर हमारा फोन पे डाउनलोड हो गया है, इसे हम ओपन करते हैं। चलिए फोन पे ऐप को ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर है, लिंक है। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड डालने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर पासवर्ड डाल लेना है। अगर पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जो ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं फोन पे में आपको यहाँ पर एड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी बैंक है जिसे आप फोन पे में लिंक करना चाहते हैं, एड करना चाहते हैं, उस बैंक को यहाँ पर सर्च कर लेना। सभी बैंक का यहाँ पर आपको नाम मिलेगा, लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेक बैलेंस का, तो आपको चेक बैलेंस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एड बैंक अकाउंट, तो आपको एड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको सभी बैंक का नाम शो करेगा, जो भी आपका बैंक है जिसे आप फोन पे में लिंक करना चाहते हैं, एड करना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ पर बैंक का नाम नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बैंक का नाम लिखेंगे, जैसे हमारा आईसीआईसी बैंक है तो यहाँ पर हम आईसीआईसीआई बैंक लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपका बैंक है उस बैंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका फोन पे में बैंक अकाउंट जो है ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको यूपीआई पिन सेट करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं आपको रीसेट पिन या फिर सेट पिन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप आधार नंबर के थ्रू भी यूपीआई पिन बना सकते हैं और डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड के थ्रू भी यूपीआई पिन बना सकते हैं, दोनों में से आप किसी भी ऑप्शन का यूज करके बना सकते हैं। तो हमारे पास एटीएम कार्ड है तो हम एटीएम डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जो आपके पास एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड है इस बैंक का, उसका लास्ट 6 डिजिट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी मंथ और ईयर डाल देना है। उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद बैंक की तरफ से एक ओटीपी जाएगा, जिस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद इस ब्लू टिक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर यूपीआई पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, तो जो भी आप यूपीआई पिन रखना चाहते हैं उस यूपीआई पिन को डाल देना है। उसके बाद इस ब्लू टिक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फिर से कंफर्म यूपीआई पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर जो भी आपने यूपीआई पिन सेट किया है उस यूपीआई पिन को दोबारा से डाल देना है। उसके बाद इस ब्लू टिक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपका यूपीआई पिन अपडेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप चेक बैलेंस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आप यूपीआई पिन डालेंगे, ब्लू टिक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है शो करेगा। अब दोस्तों अगर आप फोन पे से किसी को पैसे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं टू मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जिसके मोबाइल नंबर पर पैसे भेजना है उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद उसका नाम आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, जितना आपको पैसे भेजना है। फर्स्ट टाइम दोस्तों यहाँ पर आप एक रुपया सेंड करके ट्राई कर लेंगे, जिसे यहाँ पर एक रुपया हम डाल दिए। उसके बाद पे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और दोस्तों जो आपने यूपीआई पिन सेट किया है, बनाया है, उस यूपीआई पिन को डालेंगे और दोस्तों यहाँ पर इस ब्लू टिक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे आपका फोन पे से जो है पैसे ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट जो है सक्सेसफुल लिखा आ चुका है, डन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो आपने पैसे भेजा है उसका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री शो करेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल शो करेगा किसके अकाउंट में आपने पैसे भेजा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप फोन पे में बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।